करण ले आया शौर्य निधि के सामने प्रीता शौर्य की असली माँ है इसकी असली सच्चाई, और शौर्य को लगेगा बड़ा शौक। जहाँ पर निधि कहेगी प्रीता के बारे में शौर्य के सामने एक बड़ी बात, जिसे सुनकर शौर्य मार देगा निधि को जोर से थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब करण लूथरा हाउस में आएगा, तभी राखी माँ करीना बुआ और निधि करण के सामने आकर करण को कहेगी कि करण कहाँ गए थे, तुम प्रीता को लेने गए थे ना। तभी यह सुनकर करण कुछ बोल नहीं पाएगा। यहाँ पर जब राखी माँ करण को अपनी कसम देती हुई कहेगी कि तुम्हें मेरी कसम है करण, मुझे सच सच बताओ तुम कहाँ गए थे, तभी वहाँ पर शौर्य सीढ़ियों पे आकर करण की बात सुनेगा और करण गुस्से से कहेगा कि हाँ मैं प्रीता के घर गया था प्रीता को वापस लूथरा हाउस में लाने के लिए। तभी ऐसुन का पीछे खड़े शौर्य को काफी बड़ा शौक लगेगा और राखी माँ निधि करीना बुआ के होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर जब करण राखी माँ को कहेगा कि मॉम प्रीता का इस घर में रहने का अधिकार है और वो इस घर में जरूर आएगी, तभी ऐसुन का राखी माँ गुस्से से करण को ना बोल देगी। जहाँ पर तभी पीछे से शौर्य करण के सामने आएगा और शौर्य करण को कहेगा कि डैड आप किसकी बात कर रहे हैं, राजवीर की मासी की बात कर रहे हैं क्या, मैं आपके ड्रॉवर में राजवीर की मासी की फोटो देखी है, मुझे बताइए आपका उनसे कोई कनेक्शन है क्या, क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं। तभी ऐसुन का निधि करण को काफी बड़ा शौक लगेगा और करण ना चाहते हुए शौर्य को सच्चाई बताते हुए शौर्य को कहेगा कि शौर्य मैं तुम्हें सब बताता हूँ, हाँ मेरा प्रीता के साथ कनेक्शन है क्योंकि प्रीता मेरी पत्नी है और तुम प्रीता के बेटे हो। यह सुनकर शौर्य के होश उड़ जाएंगे और शौर्य कहेगा व्हाट, राजवीर की मासी मेरी माँ है। तभी करण शौर्य को कहेगा हाँ और राजवीर तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सगा भाई रुद्राक्ष। यह सुनकर शौर्य को करण की बातों पर यकीन नहीं होगा। जहाँ पर जब शौर्य राखी माँ करीना बुआ से पूछेगा कि माँ आप बताइए क्या ये सच है, तभी यह सुनकर राखी माँ करीना बुआ भी शौर्य को कहेगी हाँ भाई तुम्हारी माँ है जो तुम्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। जिसे सुनकर करण को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और करण गुस्से से कहेगा कि वो छोड़कर नहीं गई थी बल्कि आप लोगों ने मेरी प्रीता को मुझसे दूर कर दिया, आप लोगों ने मेरी प्रीता को धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया, वो भी प्रीता के हाथों से उसका बच्चा छीन कर। यह सुनकर शौर्य को काफी बड़ा शौक लगेगा। यहाँ पर जब करण कहेगा कि प्रीता आ रही है इस घर में दादी का ट्रीटमेंट करने के लिए और मैंने ही प्रीता को इस घर में आने के लिए अपॉइंट किया है, तभी यह सुनकर शौर्य मन में काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। और लेकिन जब निधि शौर्य को समझाती हुई शौर्य को कहेगी कि बेटा तुम्हारे डैड की बातें मत सुनो, मैं बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन प्रीता के वजह से तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से जब लोग प्रीता पर एक्सीडेंट का इल्जाम लगाने लगे थे तभी प्रीता तुमको लूथरा परिवार से दूर करके ले जाना चाहती थी और करण से खुद ही दूर होना चाहती थी, लेकिन इन लूथराज ने ऐसा नहीं होने दिया, तुमको प्रीता से बचा लिया और वो खुद ही अपने आप से ऐसे अकेली चली गई, और देखो पूरे 20 साल गुजर गए हैं लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आई। यह सुनकर तभी करण चिल्लाकर कहेगा क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है और तुम निधि प्लीज झूठ मत बोलो। यह झूठा वर्ड सुनकर शौर्य तभी निधि को जोर से थप्पड़ मार देगा। और लेकिन अब यह प्रीता की असली सच्चाई शौर्य के सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और शौर्य को पता चलना चाहिए कि प्रीता ही उसकी असली माँ है और ऐसे निधि को लूथरा हाउस से बाहर निकाल देना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।